नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैंड का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने की राज्यपाल निर्भय शर्मा से मुलाकात। शुक्रवार को राजभवन में हुई दोनों की मुलाकात। मुलाकात में राज्य की कानून व्यवस्था, पुलिस आधुनिकीकरण, सीमावर्ती क्षेत्रों, अंतर्राज्यीय सीमाओं के साथ साथ विकास से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। गृह राज्य मंत्री ने बैठक में उठाए गए मुद्दों पर तत्काल निवारण के लिए राज्यपाल को आश्वासन दिया और प्रदेश के विकास के लिए केंद्र की ओर से पूरी सहायता देने की बात भी कही। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ईटानगर के बैंक्वेट हॉल में मीडिया से रूबरू हुए। गृह राज्य मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर की वकालत की। गृह राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री नाबम तुकी के साथ बैठक की और प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। किरण रिजिजू ने कहा कि अब जरूरत है कि प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन बेहतर ढंग से हो और विकास के नजरिए को सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए। उन्होंने कहा कि राजग सरकार इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने, समाज विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने और राज्य विद्रोही समूहों में स्थायी शांति लाने के लिए कई पहल आरंभ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बैठक में गृह मंत्री तांगा ब्यालिंग, स्वास्थ्य मंत्री काली खुपुल, पीडब्ल्यूडी मंत्री गाजेन गादी, आईटीबीपी, सीमा सड़क संगठन, एयर ऑफिसर सीएमसी, पूर्वी वायु कमान, शिलोंग, जीओसी प्रतिनिधित्व अधिकारियों सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों सहित अन्य मंत्री मौजूद थे। सबको बहुत बहुत मेरे तरफ से नमस्कार। I'm on my maiden visit to my own home constituency and my home state after election and assuming my office as a Minister of State in Home Affairs. And I think you all know that I am handling various divisions within the ministry, being the largest ministry in terms of size. So first of all, I am thankful to the Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh for according me a warm reception and his Council of Ministers, and to all those Chief of Defence Services of Northeastern Zone, the GOC, four corps and three corps, both the Lieutenant Generals and the head of ITBP of Northeastern Zone, IGP, and all the chief of BSNL. The state government will ensure that all these benefits and huge developmental schemes which we are going to push from the center will reach the people. Arunachal Pradesh ke varishth BJP netaon ke saath गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने की बैठक। बैठक में विपक्ष की भूमिका को लेकर हुई चर्चा। गृह राज्य मंत्री ने प्रदेश में सशक्त विपक्ष की भूमिका को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ राय मशवरा भी किया और विपक्ष की भूमिका को लेकर रोड मैप तैयार करने की कोशिश की। किरण रिजिजू ने विश्वास जताया कि प्रदेश में किसी भी तरह का वित्तीय संकट नहीं होगा और केंद्र सरकार की ओर से पूरी तरह से सहायता मिलेगी। वहीं रिजिजू ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से ये भी कोशिश होनी चाहिए कि फंड का दुरुपयोग ना होने पाए, तब जाकर ही स्थिति सामान्य हो पाएगी। We are discussing about the role and function of the BJP legislature party as well as the state unit of the party. As we have always said that BJP being an opposition party in Arunachal Pradesh, we will always play a very constructive opposition party's role. In the interest of Arunachal Pradesh, wherever our support is necessary and wherever we need to play a crucial and critical role, a party will always be there in the interest of the state. Assam ke Lakhimpur se sansad aur kendriya rajya mantri सर्वानंद सोनवाल ने सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना के संबंध में राज्य मंत्री पीयूष गोयल से की मुलाकात।
केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता, युवा मामले, खेल राज्य मंत्री और असम प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सर्बानंद सोनवाल ने केंद्रीय बिजली, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। सर्बानंद सोनवाल ने पीयूष गोयल को सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना के संबंध में असम के लोगों की चिंताओं से अवगत कराया। इस बातचीत के दौरान पीयूष गोयल ने सर्बानंद सोनवाल को बताया कि जल्द ही इससे जुड़े विभिन्न पक्षों की एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें उनकी चिंताओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। खबर लेते हैं मणिपुर से। मणिपुर में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर इम्फाल की एक एनजीओ वुमेन एक्शन फॉर डेवलपमेंट ने उठाई आवाज। वुमेन एक्शन फॉर डेवलपमेंट ने इस मुद्दे पर सरकार से कार्यकारी समिति का गठन करने का मांग भी किया। वुमेन एक्शन फॉर डेवलपमेंट की सचिव सोबिता ने बताया कि जनवरी के बाद से लेकर अभी तक महिलाओं और बच्चों पर हुए अपराधों की संख्या 147 के आसपास है। इनमें से 15 महिलाओं की हत्या की गई, 23 का बलात्कार किया गया और कई ने आत्महत्या की, जिनकी हत्या होने का भी संदेह है। एनजीओ ने राज्य विधानसभा के सदस्यों से आग्रह किया है कि वो 11 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाएं। कुछ और खबरें लेते हैं अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ड्री फेस्टिवल। उत्सव में पारंपरिक डांस डामिंदा के प्रदर्शन से झूम उठे दर्शक। समारोह में बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक सभी ने भाग लिया था। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री तांगा ब्यालिंग ने बतौर मुख्य अतिथि इसमें हिस्सा लिया था। संसदीय सचिव मुथु मिथी ने आपातानी समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि प्राचीन काल से ही ये समुदाय अपनी पहचान को बरकरार रखने में सफल रहा है। मुथु मिथी ने इस समारोह के लिए 1,00,000 रुपए भी दान दिए थे। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिजीनियस फेथ कल्चर सोसाइटी ताबा भी समारोह में मौजूद थे। अरुणाचल प्रदेश के जीरो में सेंट्रल ड्री फेस्टिवल कमेटी ने आयोजित किया फूड फेस्टिवल। फेस्टिवल के दौरान 3 प्रदर्शनी स्टॉल और 19 खाद्य स्टॉल लगाए गए थे। समारोह में डीएसपी जॉन पाडा ने फूड फेस्टिवल को आयोजित करने के लिए
सेंट्रल डी फेस्टिवल कमेटी की सराहना की और कहा कि इससे लोगों को पारंपरिक खाने के बारे में ज्यादा पता चल सकेगा। इसमें आपातानी समुदाय की कई स्वादिष्ट व्यंजन के स्टॉल भी लगे थे। इस समारोह में विधायक तागे ताकी भी मौजूद थे। ड्री फेस्टिवल के दौरान ईटानगर के ड्री ग्राउंड में विवेकानंद युवा शक्ति ने आयोजित किया ब्लड डोनेशन कैंप। अरुणाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी स्वास्थ्य सेवा नाहरलगन निदेशालय के सहयोग से विवेकानंद युवा शक्ति ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था। अरुणाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नाबम बुद्ध ने बताया कि अस्पतालों में ब्लड की काफी जरूरत पड़ती है और इस तरह के कैंप आयोजित होने से बहुत मदद मिल जाती है। कई बार मीटिंग जो होगा या मोटिवेशन कैंप होगा उसी पे बात बताते हैं, क्योंकि आपका शरीर से ब्लड जो कंटिन्यूसली बनाते रहता है, आप ब्लड को आप डोनेशन करो या ना करो उसका तो एक स्पेसिफिक लाइफ स्पेन है, वो अपने से ब्लड सेल मर जाएगा और मर के शरीर से निकल जाएगा। उसी रेत में जब जितना जितना जरूरी है आपका शरीर से बोन मैरो उसको ब्लड को रिप्लेस के लिए बनाते रहेगा। और एक खास बात, जो जो आप ब्लड डोनेशन दो या ना दो, वो ब्लड जो बुरा एज होके मर तो मर के शरीर से निकल जाएगा, लेकिन और एक फायदामंद ये है कि आप अगर शरीर से ब्लड डोनेशन हो गया, ब्लड का वॉल्यूम या सेल का कम हो गया, जैसे पता चलेगा बोन मेरो उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रिपेयर करने के लिए चालू करता है और विद इन डेज आवर्स टू डेज में उसको पुलपिल कर देगा। ड्री फेस्टिवल के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली में एकजुट हुए अरुणाचल प्रदेश के लोग। एकजुटता दिखाते हुए दिल्ली के पुलिस लाइन ग्राउंड में खेला फुटबॉल मैच। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश के आपातानी जाति के लिए ड्री फेस्टिवल का खासा महत्व है। स्टार स्काई मीडिया ने मैच को विशेष तौर पर कवरेज किया। आइए देखते हैं ड्री फेस्टिवल पर आयोजित फुटबॉल मैच का एक दृश्य। अरुणाचल से आए हैं यहाँ पे, हमारे कुछ गिनती में कुछ हमारे जो यहाँ पे वासी आए हैं और हम सब आज इकट्ठे होकर यहाँ पे दिरी जो फेस्टिवल है उसको कॉमेमोरेट करने के लिए यहाँ पे एक फुटबॉल मैच का ऑर्गेनाइज किया था। और बस हमें खुशी है कि लाइक एटलीस्ट यहाँ दूर आके दिल्ली जैसा महानगर में आने के बाद में हम जितने भी यहाँ पे गिने चुने जो लोग हैं आज इकट्ठे होने के बाद यहाँ पे खेल रहे हैं, वो बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक तरफ से आज देखा जाए तो मुझे इस बात के लिए खुशी है कि हम कम यू नो एक छोटा सा एक माइनर ट्राइब है, अगर अरुणाचल में कहा जाए तो हम एक मेजर ट्राइब भी कहते हैं, फॉलोइंग विद निसी आदि गलो तो। लेकिन यहाँ पे अपना ट्राइब्स के जो लोग हैं, जो मेरा अपना खुद का क्लैन का है, तो वो हार्डली यहाँ दिखाई देता है। अभी ऐसा टाइम है कि स्टूडेंट्स लोग अभी मालूम हो चुका है कि यहाँ दिल्ली में पढ़ाई वढ़ाई के लिए आते हैं और कुछ नए नए चीज़ तौर तरीके यहाँ सीखने को मिलते हैं जो हमारे वहाँ पर मिलता नहीं है। हम नज़र डालते हैं कुछ अन्य खबरों पर। इराक में आतंकियों के कब्जे से रिहा होने के बाद 46 नर्सें लौटी भारत। इराक में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को लेकर एयर इंडिया का विमान कल कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचा। करीब एक महीने तक इराक के खूंखार ISIS आतंकियों के चुंगल में रहने के बाद आखिरकार केरल की 46 नर्सें सुरक्षित अपने घर लौट आई हैं। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी भी नर्सों का स्वागत करने के लिए कोच्चि एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इराक के तिकरित में आतंकियों के चुंगल में फंसी नर्सों की रिहाई के लिए भारत सरकार पुरजोर कोशिश कर रही थी। नहीं बढ़ेंगे रसोई गैस और किरोसिन के दाम, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया खबरों का खंडन। रसोई गैस और केरोसिन की कीमतों में फिलहाल कोई इजाफा नहीं होगा, लेकिन डीजल के दामों में 50 पैसे प्रति महीने की वृद्धि जारी रहेगी। ये जानकारी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को दी। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों को केंद्र में रखकर अपनी नीतियों को अंतिम रूप देगी। मीडिया के साथ बातचीत में मंत्री ने उन खबरों का भी खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि मंत्रालय गैस सिलेंडर के दामों में 250 रुपए और केरोसिन के दाम 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की योजना बना सकता है।
होंडा ने भारतीय बाजार में उतारी ड्रीम सीरीज की नई मोटरसाइकिल। कंपनी के मुताबिक ये सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है। होंडा ने ड्रीम सीरीज में अपनी नई मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में उतारी है। कंपनी के मुताबिक होंडा सीडी 110 ड्रीम सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल को होंडा इको तकनीक से तैयार किया गया है और इसमें 110 सीसी का इंजन लगा है। इसकी बुकिंग प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। मोटरसाइकिल की शुरुआती कीमत 41,100 रुपए रखी गई है। आज के समाचार अंकों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।